हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ थर्मोडायनामिक्स। पिछले लेक्चर तक हम लोगों ने थर्मोडायनामिक्स के न्यूमेरिकल डिस्कस किए थे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के। आज हम लोगों को आगे के कॉन्सेप्ट पढ़ना है। यहाँ पे हम लोग नए नए कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड, जो हमको अगले लेक्चर में बहुत ज्यादा काम में आएंगे। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम और सिस्टम वेरिएबल्स। सिस्टम वेरिएबल्स या फिर प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम यानी सिस्टम से रिलेटेड वो चीजें जो चेंज होने वाली है, जो उसके बारे में हमको बताने वाली है ना, वो बातें जो सिस्टम को डिफाइन करेगी उसको हम लोग बोलेंगे प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। लेकिन ये बातें कैसी रहेंगी? वेरिएबल रहेंगी, मतलब कांस्टेंट नहीं रहेगी, तो इनको हम लोग स्टेट वेरिएबल भी बोलेंगे। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? जो चेंज होती है, कॉन्स्टेंट नहीं रहती है ना। तो इसको सबसे पहले डिफाइन करेंगे। बोर्ड्स में इसका इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दिया है, वो डेफिनेशन क्या है देखो यहाँ पे। एनी मेजरेबल और ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम व्हेन द सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम इज नोन एज प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम और सिस्टम वेरिएबल। यानी जब भी कोई सिस्टम कैसे रहेगा? इक्विलिब्रियम में रहेगा। ओके, कैसे रहेगा? कौन से स्टेट में रहेगा? इक्विलिब्रियम के स्टेट में रहेगा। तो उसकी जो मेजरेबल क्वांटिटीज है, उसके जो मेजरेबल क्वांटिटीज यानी प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, जो हम लोग मेजर करेंगे, जो उस सिस्टम के बारे में एक्सप्लेन करेगा हमको, उसको हम लोग कहेंगे सिस्टम वेरिएबल, स्टेट वेरिएबल और सिस्टम वेरिएबल और प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, डेंसिटी, डेंसिटी रिपीट हो गया यहाँ पे, मास ऑफ सिस्टम। तो ये सब हो गए सिस्टम वेरिएबल, ठीक है। इनका एग्जाम्पल याद रखना है, ठीक है। अब दीज आर ऑल्सो नोन एज मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स ऑफ द सिस्टम। इनका दूसरा नाम है मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स, ठीक है। चलो, इंटेंसिव वेरिएबल्स। अब इंटेंसिव वेरिएबल्स, एक्सटेंसिव वेरिएबल्स, ऐसे दो प्रकार के वेरिएबल्स होते हैं, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव। तो इंटेंसिव वेरिएबल्स यानी कौन से वेरिएबल्स? द वेरिएबल्स विच डू नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द सिस्टम, है ना। जो सिस्टम के साइज पे डिपेंड नहीं करेंगे, चाहे सिस्टम का साइज कुछ भी रहने दो, ये वेरिएबल का ये जो प्रॉपर्टी है इसका वैल्यू फिक्स रहेगा। ऐसे वेरिएबल्स को हम लोग क्या कहेंगे? इंटेंसिव वेरिएबल। डू नॉट डिपेंड, हाँ, दिस इज इंपॉर्टेंट। सिस्टम की साइज कितनी भी बड़ी रहने दो, कितनी भी छोटी रहने दो, इनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या आएगा? प्रेशर, डेंसिटी एंड टेम्परेचर, है ना। छोटा सा सिलेंडर है, गैस का टेम्परेचर 40 केल्विन है, बड़ा सिलेंडर में सेम गैस डाल दिया तो भी 40 केल्विन रहेगा। ऐसा जरूरी नहीं कि बड़े सिलेंडर में जाएगा गैस तो वहां पे टेम्परेचर उसका 50 केल्विन हो जाएगा, 60 केल्विन हो जाएगा, या छोटा और सिलेंडर में जाएगा तो गैस का टेम्परेचर बदलेगा, ऐसा नहीं है। प्रेशर भी वैसे ही रहेगा, डेंसिटी भी उतनी रहेगी। जो गैस की डेंसिटी छोटे सिलेंडर में है, वही गैस की डेंसिटी बड़े सिलेंडर में भी रहेगी। मतलब सिस्टम के साइज पे डिपेंड नहीं कर रहे, ओके, ये सिस्टम के साइज पे इनकी वैल्यू डिपेंड नहीं कर रही है। एक बार वापस समझा देता हूं। सपोज ये एक सिलेंडर है, ठीक है, इसमें तुम लोगों ने एक गैस लिया हुआ है, इसका टेम्परेचर अगर 30 केल्विन है। अब सेम गैस को तुमने निकाल के छोटे सिलेंडर में भर दिया, जब तुम इसका टेम्परेचर मेजर करोगे तो वो वापस से तुमको 30 केल्विन ही मिलना है, ओके। सेम वे में इसका प्रेशर और डेंसिटी भी चेंज नहीं होंगे, है ना, यहाँ पे भी वही प्रेशर और वही डेंसिटी रहेगी। तो ये जो वेरिएबल्स है, टेम्परेचर, प्रेशर एंड डेंसिटी, ये सिस्टम के साइज पे डिपेंड नहीं करेंगे, ओके। तो ये एग्जांपल्स याद रखना है, एमसीक्यू बन सकते हैं इसके ऊपर, ओके। नेक्स्ट, एक्सटेंसिव वेरिएबल। एक्सटेंसिव वेरिएबल की क्या डेफिनेशन आएगी? ऐसे वेरिएबल्स विच डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द सिस्टम, है ना, जिनका वैल्यू डिपेंड करेगा साइज ऑफ द सिस्टम पे, उन वेरिएबल्स को हम लोग क्या कहेंगे? एक्सटेंसिव वेरिएबल। दैट वेरिएबल विच डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द सिस्टम आर कॉल्ड एज इंटेंसिव वेरिएबल्स। इसके एग्जांपल क्या आएंगे? मास, वॉल्यूम एंड इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी तुमने ये सिलेंडर में गैस लिया हुआ है ना? इसका मास अगर 4 ग्राम है, तुमने क्या किया? सिलेंडर छोटा कर डाला, छोटे सिलेंडर में गैस लिया, तो अब इसका मास 4 ग्राम नहीं रहेगा ना, क्योंकि छोटा सिलेंडर है, छोटे सिलेंडर में कम गैस आएगी तो इसका मास कितना हो जाएगा? लेट अस से 2 ग्राम। मतलब यहाँ पे मास अलग है, यहाँ पे मास अलग है, यानी सिस्टम के साइज पे मास का वैल्यू डिपेंड कर रहा है।
सिस्टम के साइज पे वॉल्यूम का वैल्यू डिपेंड करते हैं, सिस्टम के साइज पे इंटरनल एनर्जी भी डिपेंड करती है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी यानी सभी गैस के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी, यहां ज्यादा मॉलिक्यूल्स है यहां कम मॉलिक्यूल्स है, तो कम मॉलिक्यूल्स है कम इंटरनल एनर्जी, ज्यादा मॉलिक्यूल्स है ज्यादा इंटरनल एनर्जी। समझ में आया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगेन एज आई रिपीट, क्वेश्चन एमसीक्यू बन सकता है कि इसमें से कौन सा एक्सटेंसिव वेरिएबल है, इसमें से कौन सा इंटेंसिव वेरिएबल है। तो एग्जांपल्स याद रखते हैं। नेक्स्ट, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम है ना, तो क्या होता है, अ सिस्टम इज सेट टू बी इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कब, इफ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग थ्री कंडीशंस। तीन कंडीशंस है इक्विलिब्रियम में। सबसे पहला मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, यानी वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। अब मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या है अगले स्लाइड में पढ़ेंगे। दूसरा वो केमिकल इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, और तीसरा वो थर्मल इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। इसके बारे में हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में तो देखा है, तो अपन इसके बारे में बाद में बात करेंगे, मतलब बाद में इसी लेक्चर में बात करेंगे, सबसे लास्ट में इसको देखेंगे। अब सबसे पहले हमको पढ़ना है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, है ना। लेकिन एक बात क्या सीख लिया हम लोग कि कोई भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब वो तीन चीजों में इक्विलिब्रियम में, मैकेनिकल में भी है, केमिकल में भी है और थर्मल में भी है। ओके, तो चलो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम यानी क्या पढ़ते हैं हम लोग। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम यानी क्या, अ सिस्टम इज सेट टू बी इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कब, इफ देयर आर नो अनबैलेंस्ड फोर्सेस विद इन द सिस्टम एंड बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। यानी कि उस सिस्टम के अंदर कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्सेस नहीं है। अब अनबैलेंस्ड फोर्सेस का मतलब मैं समझा दूं, देखो ये इधर से एक फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, इधर से एक फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, तो दोनों फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। तो ये दोनों फोर्सेस मिला के बैलेंस्ड फोर्सेस हुए। क्या हुए? बैलेंस्ड फोर्सेस। लेकिन अब इनमें अगर एक 5 न्यूटन का फोर्स आ गया, तो अब इसका इक्विवेलेंट जीरो है क्या? जीरो है क्या? नहीं है, जीरो नहीं है। ये दस को कैंसिल करेगा, लेकिन ये 5 को कौन कैंसिल कर रहा है? कोई भी नहीं। तो यहां पे अनबैलेंस्ड फोर्सेस है, तो जहां पे अनबैलेंस्ड फोर्सेस है वहां पे मैकेनिकल इक्विलिब्रियम नहीं होगा। हमको क्या चाहिए? सारे बैलेंस्ड फोर्सेस होने चाहिए। मतलब बैलेंस्ड फोर्सेस से एक दिमाग में रख लो, नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। ओके, नेट फोर्स सिस्टम के अंदर और सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। ओके, या फिर इसकी दूसरी भी डेफिनेशन है, वो ऐसी है, वो प्रेशर से रिलेटेड है। अ सिस्टम इज ऑल्सो सेट टू बी इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कब, इफ प्रेशर थ्रू आउट द सिस्टम एंड बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग रिमेन्स कॉन्स्टेंट एंड डज नॉट चेंज विद टाइम। टाइम के हिसाब से नहीं बदल रहा है। कौन? प्रेशर। तो एक डेफिनेशन फोर्स की है, एक डेफिनेशन प्रेशर की है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की। ओके, एक बार उन्होंने तुमने नॉन अनबैलेंस्ड फोर्सेस के रूप में डिफाइन किया, और एक बार तुमने प्रेशर के फॉर्म में डिफाइन किया मैकेनिकल इक्विलिब्रियम को, कि भाई सिस्टम का प्रेशर नहीं है क्या, बदल नहीं रहा है, वो कांस्टेंट है, टाइम के हिसाब से नहीं चेंज हो रहा है। ओके, जो अभी प्रेशर है वही 1 घंटे बाद में प्रेशर है, वही 2 घंटे बाद में प्रेशर है। समझे सब लोग? हाँ, ओके। अब केमिकल इक्विलिब्रियम में सेम डेफिनेशन आएंगी। वहां पे मैकेनिकल में क्या था? नो अनबैलेंस्ड फोर्सेस, यहां पे नो केमिकल रिएक्शन, केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होगा। देखो, अ सिस्टम इज सेट टू बी इन केमिकल इक्विलिब्रियम कब, इफ देयर आर नो केमिकल रिएक्शंस गोइंग ऑन विद इन द सिस्टम और देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ मैटर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सिस्टम टू द अदर पार्ट ड्यू टू डिफ्यूजन। यानी कोई भी मैटर एक पार्ट से दूसरे पार्ट में नहीं जा रहा है, एक ये बात, और दूसरी कि कोई भी केमिकल रिएक्शंस नहीं हो रही है। देखो, दो चीजों पे बात करना है, एक केमिकल रिएक्शन के बारे में और एक ट्रांसफर ऑफ मैटर के बारे में, याद रख लेना ना। एग्जाम में हमको जब केमिकल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन आए तो हमको ध्यान में रखना है, यहाँ पे दो बातें लिखना है हमको वहां पे। एक कौन सी? कि कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है, देयर इज नो केमिकल रिएक्शंस गोइंग ऑन इन द सिस्टम। दूसरी, देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ मैटर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सिस्टम टू अनदर पार्ट ऑफ द सिस्टम ड्यू टू डिफ्यूजन, क्योंकि जो भी ट्रांसफर होगा सिस्टम के अंदर वो डिफ्यूजन की वजह से होगा। तो डिफ्यूजन की वजह से कोई मैटर ट्रांसफर नहीं हो रहा है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, ठीक है। इसका एक और डेफिनेशन क्या है, दूसरा डेफिनेशन, सिस्टम इज ऑल्सो सेट टू बी केमिकल इक्विलिब्रियम इफ इट्स केमिकल कंपोजिशन इज सेम थ्रू आउट द सिस्टम एंड डज नॉट चेंज विद टाइम, सेम पिछले बार जैसा। ओके, दूसरी डेफिनेशन है,
पिछले बार हम लोगों ने प्रेशर बोला था, केमिकल इक्विलिब्रियम में केमिकल कंपोजिशन थी, तो दो में से कोई भी एक डेफिनेशन याद करके लिखना है एग्जाम में। मैं तो सजेस्ट करूंगा दोनों याद कर लो और दोनों लिख डालो, इट गिव्स अ नाइस इंप्रेशन ऑन वैल्यूएटर, वैल्यूअर है ना, जो इवैल्यूअर होता है तुम्हारा, एग्जामिनर होता है, उसके ऊपर एक जोरदार इंप्रेशन गिरता है, क्योंकि तुमने भाई लोग एक नहीं ढंग से लिख पाते, तुम दोनों लिख रहे हो। ओके क्लियर विद दिस? तो ये था केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में, है ना। चलो आज है थर्मल इक्विलिब्रियम। अब थर्मल इक्विलिब्रियम तो हमको पता ही था, थर्मल इक्विलिब्रियम में बॉडी कब रहेगी, सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में कब रहेगा, जब उसका टेम्परेचर कैसा रहेगा, कॉन्स्टेंट, और वो टाइम के हिसाब से चेंज नहीं होगा, है ना। ये ऑलरेडी हम लोग पहले दूसरे लेक्चर में पढ़ चुके हैं, फिर भी डेफिनेशन याद रखेंगे। सिस्टम इज सेट टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम इफ द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट एंड इट डज नॉट चेंज विद टाइम। कौन? टेम्परेचर। टेम्परेचर, ठीक है, समझ में आया सबको? तो चलो अभी हम लोगों ने सिस्टम के इक्विलिब्रियम के बारे में बात किया कि कोई भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम इक्विलिब्रियम में तब होती है जब वो तीन कंडीशन सेटिस्फाई करती है, मैकेनिकल, केमिकल एंड थर्मल। मैकेनिकल यानी नो अनबैलेंस्ड फोर्सेस, या फिर प्रेशर इज कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द सिस्टम। ओके। केमिकल यानी नो केमिकल रिएक्शन और ट्रांसफर ऑफ मैटर, या फिर केमिकल कंपोजिशन सेम। थर्मल यानी टेम्परेचर सेम। ओके क्लियर विद दिस? चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इक्वेशन ऑफ स्टेट। इक्वेशन ऑफ स्टेट यानी क्या है? ये एक इक्वेशन है। इक्वेशन किस चीज का ही है? तुम्हारे जो स्टेट वेरिएबल्स हैं उनको रिलेट करने वाले इक्वेशन है। ओके सो द मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन द स्टेट वेरिएबल्स इज नोन एज इक्वेशन ऑफ स्टेट। मैंने वही कहा, यानी वो सिस्टम के जो स्टेट वेरिएबल्स हैं उनके बीच का रिलेशन इज नोन एज इक्वेशन ऑफ स्टेट। उस स्टेट पे उन स्टेट वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशन है, त्या वेळेवर त्या सिस्टमच्या स्टेट वेरिएबल्स मध्ये काय रिलेशन आहे, त्याला आपण इक्वेशन ऑफ स्टेट म्हणतो। ओके सो इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होता है? इक्वेशन ऑफ स्टेट इज पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना, हम लोग ऑलरेडी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन में पढ़ चुके हैं। पी यानी क्या है? पी यानी प्रेशर है। वी यानी क्या है? वॉल्यूम है। एन यानी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स है। आर यानी क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, इसका वैल्यू फिक्स है। इसका वैल्यू कितना है? 8.314 जूल पर मोल केल्विन है। और टी यानी क्या है? टेम्परेचर, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स के हमको दो फॉर्मूलेस पता है, मास अपॉन मोलर मास, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगाड्रोस नंबर। ये फॉर्मूले भी पता है हमको, पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़े, ठीक है। चलो ये सब बातें डिफाइन किए, ठीक है, वही जो मैंने लिखा था यहां पे सब आगे। क्लियर? आसान चीज। ओके पीवी डायग्राम और इंडिकेटर डायग्राम। ओके पीवी डायग्राम या फिर उसको हम लोग क्या कहते हैं? इंडिकेटर डायग्राम। एज ए नेम सजेस्ट, दिस इज अ डायग्राम बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। ओके सिस्टम का प्रेशर और वॉल्यूम कैसा चेंज हो रहा है उसका डायग्राम बोले तो पीवी डायग्राम या फिर इंडिकेटर डायग्राम। हम लोग देखेंगे बहुत सारी प्रोसेसेस देखेंगे आगे, और हर प्रोसेस का एक पीवी डायग्राम रहेगा, जो पीवी डायग्राम से ही हमको ध्यान में आएगा कि ये प्रोसेस किस प्रकार की है। आगे नेक्स्ट आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो देखो यहां पे द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन काइका ऑफ इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ अ सिस्टम इज कॉल्ड एज पीवी डायग्राम और इंडिकेटर डायग्राम। एक्चुअली ये डेफिनेशन है सिर्फ इंडिकेटर डायग्राम का, लेकिन तुम्हारे बुक में इसको पीवी डायग्राम का भी डेफिनेशन बोला गया है। द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ स्टेट इज नोन एज इंडिकेटर डायग्राम। एक्चुअली पीवी डायग्राम इज स्पेसिफिक हो गया, मतलब इक्वेशन ऑफ स्टेट में प्रेशर वॉल्यूम भी आता है लेकिन टेम्परेचर भी आता है ना, इसलिए, ठीक है। एनीवेज तुमने ये डेफिनेशन याद रखना है, बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में ये लिखना है हमको, ठीक है, क्लियर है। पीवी डायग्राम ऑफ एन आइडियल गैस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, आगे हमको पढ़ना है वापस से, लेकिन अभी मैं बता देता हूं। कॉन्स्टेंट टेम्परेचर यानी आइसोथर्मल प्रोसेस होती है, हम लोग उसमें पढ़ेंगे उसकी पीवी डायग्राम कैसे आएंगे। तो वो डायग्राम आती है ऐसी, ऐसी
ऐसी डायग्राम आती है, इसको प्रॉपरली बनाता हूं ऐसा। यहां पे प्रेशर लेट अस से पी वन, वॉल्यूम वी वन, वॉल्यूम वी टू, प्रेशर वी टू, ठीक है। अब सिस्टम अगर ऐसी जा रही है या ऐसी, तो इसको हम लोग एक्सपांशन बोलते, क्योंकि शुरुआत में वॉल्यूम कम था, बाद में वॉल्यूम बढ़ गया, तो ये प्रोसेस होगी कौन सी, एक्सपांशन की प्रोसेस। अब सिर्फ एरो बदल दिया हम लोगों ने, ऐसा कर दिया, तो ये बन गई कॉम्प्रेशन की प्रोसेस, क्योंकि शुरुआत में वॉल्यूम कम था, ज्यादा था, और बाद में वॉल्यूम कम हो गया। वॉल्यूम का कम होना कॉम्प्रेशन, वॉल्यूम का ज्यादा होना एक्सपांशन। याद रखना, एमसीक्यू इंपॉर्टेंट इसके ऊपर बनेंगे, ठीक है। चलो, कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क डन फ्रॉम पीवी डायग्राम, ठीक है। ध्यान में रखो हमेशा कि वर्क डन का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, दैट वॉज इंटीग्रेशन पी डीवी वीआई टू वीएफ, याद है, ये डिराइव किया हम लोगों ने दो पिछले के पिछले लेक्चर में। अब दूसरा है कि पीवी डायग्राम से वर्क डन इज एरिया अंडर पीवी ग्राफ या पीवी डायग्राम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लिख के रखो। व्हाट इज, हाउ डू यू कैलकुलेट वर्क डन फ्रॉम पीवी डायग्राम, हम लोग पीवी डायग्राम से वर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो ग्राफ के नीचे का एरिया कैलकुलेट करके। यानी सपोज कोई प्रोसेस है, उसका पीवी डायग्राम इतना है, ऐसा है पीवी डायग्राम इतना, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके नीचे का, सिर्फ इसके नीचे का एरिया कैलकुलेट करेंगे। अब ये जो एरिया रहेगा, ये रहेगा हमारा वर्क, ठीक है, समझ में आया, सिंपल है ना, सब ये ध्यान में आ रहे हैं। हाँ, तो उस क्या बोलते हैं हम लोग, उस ग्राफ के नीचे का एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, ग्राफ के नीचे का एरिया, तो हमको क्या मिलेगा, वर्क डन मिलेगा। तो तुमने ये पॉइंट लिख के, ये हेडिंग लिख के, ये स्टेटमेंट लिख लेना, वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल टू एरिया अंडर पीवी ग्राफ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्लियर। अब एक बात ध्यान में रखो, अगर ये सीईटी पॉइंट के लिए, अगर एक्सपांशन का वर्क है, एक्सपांशन हो रहा है, एक्सपांशन या रहा है, वॉल्यूम इंक्रीजेस, तो वर्क डन इज कंसिडर्ड टू बी पॉजिटिव, यानी एरिया निकालो और उसको पॉजिटिव साइन दो। और दूसरा कहेगा, अगर कॉम्प्रेशन का वर्क है, कॉम्प्रेशन का वर्क यानी वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, तो वर्क डन निगेटिव लिखो, ये याद रखना, ओके, याद रखो, क्लियर विद दिस, ओके। वर्क डन कैन ऑलवेज बी फाउंड बाय कैलकुलेटिंग द एरिया अंडर पीवी कर्व। नाउ लास्ट कॉन्सेप्ट आज का, वो है वर्क डन एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, ओके, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम रिमेन्स कॉन्स्टेंट, तो चेंज इन वॉल्यूम इज जीरो, चेंज इन वॉल्यूम जीरो, तो वर्क डन जीरो, याद रखना। सो वर्क डन एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज ऑलवेज जीरो, ओके। और वैसे भी देखो, ग्राफ से भी समझ में आता है, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम की प्रोसेस कैसी रहेगी, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम की प्रोसेस ऐसी रहेगी, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस, है ना, देखो वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है, ठीक है, ये देखो, ये वाली जो प्रोसेस है ना, ये वाली प्रोसेस इज कॉन्स्टेंट प्रेशर, कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस, पूरे प्रेशर पर एक ही, सॉरी पूरे प्रोसेस पर एक ही प्रेशर है, यहां पे पूरे प्रोसेस पर एक ही वॉल्यूम है, यानी वॉल्यूम कॉन्स्टेंट। अब इसके नीचे का एरिया, अब इसके नीचे कुछ भी एरिया नहीं है ना, वो तो एक लाइन है, लाइन के नीचे क्या एरिया रहेगा, मतलब एरिया अंडर पीवी ग्राफ इज जीरो, एरिया जीरो, तो वर्क डन जीरो। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, कि भाई कॉन्स्टेंट वॉल्यूम वाली जो प्रोसेस होती है उसके अंदर वर्क डन जीरो होता है, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम वाली प्रोसेस में वर्क डन जीरो रहेगा, सिर्फ यही एक प्रोसेस में, बाकी कोई प्रोसेस में वर्क डन जीरो नहीं होगा, क्लियर विद दिस। तो ये थे हमारे आज के न्यूमेरिकल, सॉरी आज की थ्योरी, कल के लेक्चर में हम लोग ये सभी टॉपिक पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे, ओके, दैट्स इट।